हे फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम अब सबका फेवरेट चिकन पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। दिखने में इतना माउथ वाटरिंग और यमी लग रहा है ना, इसको बनाना भी बहुत सिंपल है। इसको हम बिना ओवन, ईस्ट और चीज़ के बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिज्ज़ा के लिए हम पहले उसका वाइट सॉस बना लेंगे। ये चीज़ का रिप्लेसमेंट है, आप चाहे तो चीज़ यूज़ कर सकते हैं और ये सॉस को स्किप कर सकते हैं। तो एक टेबलस्पून बटर ऐड कर लिया है और उसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून मैदा। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम में कुक करेंगे। बटर में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम मैदे को। तो मैदा रोस्ट हो चुका है, अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे यानी कि मिल्क। दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, स्टेज में हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ 30-40 सेकेंड्स इसको कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं। ऑलमोस्ट रेडी है हमारा सॉस, आप ये देख सकते हैं हमारा सॉस रेडी हो चुका है कि आप गैस को बंद कर लेंगे। तो अब हम डो बना लेंगे पिज्ज़ा के लिए। उसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसमें एक कप मैदा ऐड कर लेंगे और साथ साथ इसमें डालेंगे एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ में जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद अनुसार, और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर या फिर आप 2 टेबलस्पून ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट बटर डालने से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और इसको हम हल्का सा मिक्स कर देंगे इस तरह। और अब इसमें डालेंगे 1/3 कप दही यानी कि 1/3 कप कर्ड और इसको हम हाथ से गूंदना शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा क्योंकि दही में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो इसी पानी से इस आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 टेबलस्पून पानी बाद में ऐड करके अच्छे से गूंद लें। तो हमारा ये पिज्ज़ा का डो रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक क्लीन क्लॉथ से ढक करके साइड पर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, और जब तक हम अपना चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद जाएगा थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दें अपने चिकन के साथ ताकि ये चिकन को अच्छे तरीके से कोट कर लें। तो हमारा चिकन अच्छे से कोट हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल और इसमें हम अब अपना ये सारा चिकन पीसेस डाल लेंगे और इसको एक स्पून से हम इवनली स्प्रेड कर देंगे, इस तरह सेपरेट कर दें। और इसको हमने फ्राई कर लेना है बिल्कुल, जब तक कि हमारा ये चिकन अच्छे से कुक ना हो जाए। तो थोड़ी देर हो चुका है, अब हम इन सारे चिकन पीसेस को पलट देंगे ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से कुक हो। चिकन रेडी है, आप गैस को बंद कर दें। हमारा ये डो को हमने रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है, अब हम अपना क्लॉथ उठा लेंगे और इस डो को एक बार और गूंद लेंगे अच्छे से। अब हम इस डो को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे, आप चाहे तो फुल्ली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं छोटे पिज्ज़ा बना रहा हूँ तो मैं 2 पिज्ज़ा बनाऊँगा इससे। तो पहले एक बॉल हमने ले लिया है और इसको हाथों से इस तरह हल्का सा प्रेस करें। अब एक रोलिंग पिन की मदद से इसको हम इस तरह रोल कर लेंगे बिल्कुल राउंड शेप में। तो हमने इसको रोल कर लिया है, आपको मैं थिकनेस दिखा देता हूँ, बस इतना थिकनेस रखना है, ना ज़्यादा थिन चाहिए ना ज़्यादा थिक चाहिए क्योंकि ये कुक होने के बाद थोड़ा सा फूलेगा, तो शीट को थोड़ा सा थिन्ने रखें। अब इस तरीके का कोई सा भी मोटा सा प्लेट लेंगे, राउंड प्लेट ले लें
आप चाहे तो जो हम केक के लिए यूज़ करते हैं ना, उस टिन का बेस भी ले सकते हो। तो मैं इस तरीके का एक प्लेट ले रहा हूँ और इसमें हम अपना ये पिज्ज़ा का डो रख लेंगे। इसको हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे, ज़रूरत रहे तो इस तरह हाथों से इसके एडजस्ट को इस तरह स्प्रेड कर दें। तो अब हम एक फोर्क लेंगे, फोर्क की मदद से इस तरह से प्रिक करेंगे अपने पिज्ज़ा के शीट में, ताकि हमारा पिज्ज़ा जो है अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो। तो अब ये देख सकते हैं, हमने अच्छे से प्रिक कर लिया है। अब हम इसको एक ब्रश की मदद से ऑयल थोड़ा अप्लाई कर देंगे हमारे पिज्ज़ा के बेस में, ताकि जब हम बाइट करें तो ये थोड़ा सा ड्राई ना फील हो। इस तरह अच्छे से स्प्रेड कर लें ऑयल या फिर मेल्टेड बटर को। और उसके बाद नेक्स्ट हम डालेंगे पिज्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देख लें। इस तरह हम पिज्ज़ा सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अपने ये पिज्ज़ा के बेस में। और नेक्स्ट हम इसके ऊपर डालेंगे अपना ये व्हाइट सॉस जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। ये चीज़ के बदले हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड में, आप चाहे तो इसके बदले में चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। इस व्हाइट सॉस को हम अच्छे से अपने पिज्ज़ा के ऊपर डाल के स्प्रेड कर लेंगे। और नेक्स्ट हम इसके ऊपर डालेंगे अनियंस। मैंने प्याज को इस तरह डाइस शेप में कट करके रख लिया है, आप अपना कोई भी मनपसंद शेप में कट करके इसको भी पिज्ज़ा के ऊपर डाल लें। इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम या फिर बेल पेपर भी कह सकते हो, इसको भी मैंने डाइस शेप में कट कर लिया है, इसको भी हम डाल लेंगे पिज्ज़ा के ऊपर। और नेक्स्ट हम इसके ऊपर अपना ये चिकन पीसेस डाल लेंगे जो हमने अब थोड़ी देर पहले फ्राई करके रखा था। और उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर अपना ये व्हाइट सॉस डाल लेंगे। ये एक चीज़ी इफेक्ट देगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। हालांकि इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है बट टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है, घर पे ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार ये। तो हम इस सॉस को भी इसके ऊपर डाल लेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर नया हो तो स्किप कर दें। और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो हमारा ये पिज्ज़ा का बेस रेडी हो चुका है, अब हम इसको कुक करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला चढ़ा लिया है गैस पे, जिस पे हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना, इस तरीके का एक बड़ा सा पतीला चढ़ा लें। और इसको मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट्स के लिए। इसको हाई फ्लेम में डाल के प्री हीट कर लें। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट डाल के रखा है और उसके ऊपर एक कटोरी को उल्टा करके रखा है। ये हमारा स्टैंड हो गया और इसके अंदर अब हम अपना ये पिज्ज़ा का बेस रख देंगे। और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में कुक होने देंगे। इसको ढक देंगे अब। तो 25 मिनट्स हो चुका है, अब हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। वाव, आप ये देख सकते हैं हमारा पिज्ज़ा कितना अच्छी तरीके से फूल के आया है, एकदम चीज़ी लग रहा है ना। तो अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। दे यू गो, हमारा सुपर टेस्टी चिकन पिज्ज़ा इज़ रेडी। ऐसा लग ही नहीं रहा है ना कि हमने इसको बिना ईस्ट और बिना चीज़ के बनाया है, दिखने में इतना चीज़ी लग रहा है, ये हमारी सॉस की वजह से है। तो इस पिज़्ज़ा को घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।